हेलो गाइज, इट्स माई मॉम्स एनिवर्सरी, मॉम एंड डैड्स एनिवर्सरी टुडे. सो तो अभी मेरी मम्मी जो है वो मेकअप करके रेडी हो रही हैं और कह रही हैं तो कि तू भी मेकअप करके रेडी हो जा. और मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, पर अगर मैं मेकअप नहीं करूंगी ना तो मेरी मम्मी मुझे गुस्सा करेगी, कहेगी कि मैं तेरे से ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तू मुझसे ज़्यादा सुंदर लग. ऐसे मेरी मम्मी ना कंपैरिजन करती है कि तेरे से ज़्यादा सुंदर मैं लग रही हूँ, तुझे मुझसे ज़्यादा सुंदर लगना है. ऐसे ऐसे करती है मेरी मम्मी. कैसे करती है मेरी मम्मी, दिखाऊं क्या कर रही है? गाइज, आप देखना चाहते हैं मेरी मम्मी अभी क्या कर रही है? ये देखो गाइज, दिस यंग लेडी इज बिजी इन डूइंग मेकअप. ये देखो दोस्तों, ये मेरी मम्मी आई शेडो लगा रही है. देखा, ये सारा मेरा मेकअप नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का है. मेरे को कोई शौक नहीं है रेडी होने का, मेरी मम्मी का है. जो सारे लड़कियों के शौक होते हैं वो मेरी मम्मी को है, मेरे को सारे लड़कों वाले शौक है. ये व्लॉग देख के सिमरन ने मेरे को जरूर कमेंट करना है कि तू सच में लड़का ही है, क्योंकि वो मुझे कहती है कि थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें डाल अपने अंदर, लड़का लगती है. मम्मी मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ? लड़का. क्या पैदा किया आपने? लड़का. क्यों मैं लड़का बताओ? लड़की है पर लड़के जैसे शौक है तुझे. क्या शौक है मुझे? आए ऐसे बनी रहती है, गंदी थी. ये गंदी हूँ मैं गाइस? मुंह पे बेइज्जती. मार्केट लेके जाओ उसको, कंगी नहीं करके जाती है, ऐसे चली जाती है भूतनी की तरह. गाइस मैं क्या, मैं भी भूतनी लग रही हूँ? मम्मी आप मेरी बेइज्जती करो मेरे ब्लॉग में. आपको पता है मेरे कितने चाहने वाले हैं? ये जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब मुझे चाहते हैं. मेरे को गाइस कमेंट में बता दो, मेरे को इससे भी ज्यादा चाहते हैं. अमेजिंग. गाइस सो गाइस आप अभी कमेंट करके बता दो कि क्या मैं आपको भूतनी लगती हूँ. जब लगेगी ना उस दिन मैं इसकी पिक भेजूंगी आपको. किसको भेजूंगी आप? आपको दिखाऊंगी. किसको दिखाऊंगी आप? इसके उसमें. उसमें किसमें? गाइस एक्चुअली मुझे ना तैयार होने का ज्यादा शौक नहीं है. ये इतने लंबे से केश जो आपने मेरे कर दिए मुझसे संभाले नहीं जाते मम्मी, संभाले नहीं संभलते मुझसे. कितना लगाओगी और खत्म ही कर दोगी? ये लगाऊं चमचम? बस मम्मी शादी नहीं है आपकी, दोबारा हल्का मेकअप करो. चलो गाइज अब हम रेडी हो जाते हैं. और सो गाइज मेरी मम्मी कह रही है आईलाइनर लगा दे, लगा देती हूँ मम्मी. मेरे को मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब अपने ऊपर करना नहीं अच्छा लगता, पर हाँ मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा आता है. मम्मी बताओ मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ? बहुत अच्छा. देखा, मेरी मम्मी को ये टेंशन है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मम्मी का मेकअप और लाइनर कौन लगाएगा, मस्कारा कौन लगाएगा? लाइनर का है, वैसे तो सारा कर लेती हूं. किसने सिखाया आपको? ये तो मैंने खुद ही सीखा. कहाँ से सीखा? आईलाइनर लगाना नहीं आता बस. हाँ तो क्या आता है? मेकअप, ये फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट वगैरह. अच्छा अपनी मत तारीफ करो, मेरी करो. मैं कैसा मेकअप करती हूँ? अच्छा वाला, बिल्कुल प्रोफेशनल वाला करती हूँ ना. कहीं से सीखा है मैंने? नो. सो गाइज पैदा ही टैलेंटेड हुई थी मैं. क्या हुई थी? टैलेंटेड. ये टैलेंट है मेरा. Amazing. समझ रहे हो आप? देखो मेरे टैलेंट को, काम दो मुझे. चलो मेरा आईलाइनर लगा दो. तो गाइज हाँ मैं आपको बता रही थी, लाइनर के लिए वेट करो, अभी आप कुछ और कर लो. तो गाइज मैं आपको बता रही थी आज एनिवर्सरी है मम्मी डैडी की, रात हो चुकी है तो अभी हमने छोटा सा प्लान किया डिनर. ऐसा कोई सरप्राइज वरप्राइज नहीं है, बस ऐसे डिनर पे जा रहे हैं. और गिफ्ट के नाम पे मम्मी क्या चाहिए आपको? मैं आपको सगन पकड़ा दूंगी, आपको जो पसंद है. पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. गाइज आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं. नहीं क्लियर अभी किया नहीं है ना, तो अभी कर देती हूँ कि हम गिफ्ट के नाम पे गिफ्ट नहीं लेते हैं, हम कैश लेते हैं. कैश में बिलीव करते हैं, जितना हो सके उतना कैश दे दो, हम अपनी पसंद का सामान खुद ले लेते हैं. इसलिए मैं भी अपने मम्मी पापा को कैश ही दूंगी, जो उनको पसंद है वो अपने आप ले लेंगे. क्योंकि हम परिवार में सारा पूरा खानदान ऐसा है, किसी को किसी का कुछ पसंद नहीं आता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है. कुछ देंगे उनको पसंद नहीं आएगा, वो वेस्ट जाएगा, इसलिए हम कैश में बिलीव रखते हैं. चलो अब मैं लाइनर लगाने जाती हूँ और फिर रेडी होके फिर आएंगे और फिर हम आपको. सो गाइज ये है मेरे पापा, सुकून पहन के खड़े हो गए हैं. ये वाली जीन्स अच्छी नहीं लग रही पापा, ब्लू कलर की जीन्स पहने. और ये उतार के दो, प्रेस भी नहीं है, प्रेस करती हूँ. गाइज आई एम रेडी विद माई ड्रेस. और सो गाइज ड्रेस तो मैंने वियर कर ली है,
अब हम मेकअप करते हैं। मेकअप के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया है फेस पे, अभी मेरा फेस एक मिनट, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, मैं फेस वॉश करके आई। फेस वॉश डन है तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। मेकअप में करेंगे हम, मम्मी बैग पकड़ाना वो वाला मेरा ब्राउन वाला। सो मेकअप में हम लगाएंगे सबसे पहले ये लोशन, ये मेरी डर्माकोलॉजिस्ट ने लिख के दिया था लोशन, वही वाला लोशन मैं यूज़ करती हूँ। इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। लोशन के बाद हम लगाएंगे काजल, जो मैं खुद हूँ, काजल मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम मेकअप के नाम पे लगाएंगे ये लिपस्टिक, ये एलेटीन की लिपस्टिक है, शेड नंबर 43। ये बहुत ही अच्छा शेड है, मेरा बहुत पुराना है और मैं हमेशा इसको लगाती हूँ। बस ऊपर वाले लिप्स पे ही लगानी है दोस्तों लिपस्टिक, नीचे अपने आप लग जाएगी। बस ऐसे दो राउंड घुमा के लिप्स ही घुमा लेने हैं, फिर थोड़ा ऐसे भी घुमा लेना है। तो ये होता है हमारा बेसिक मेकअप। ये मेरी मम्मी की हील्स है, यहाँ से हम ऊपर आते हैं, मेरी मम्मी की ड्रेस है दोस्तों, और ये आ गई है मेरी मम्मी, मेरी माता श्री। तो दोस्तों बता दो, ये मेरा 2 मिनट्स वाला मेकअप है जिसमें मैंने कुछ नहीं लगाया है, काजल, लिपस्टिक और ऐसे ऐसे थोड़ा सा टिंट। और ये मेरी मम्मी का मेकअप है जिसमें मेरी मम्मी ने आधा घंटा लगाया, बता दो दोस्तों कमेंट करके। आधा नहीं, 15 मिनट, और दोस्तों मैंने 2 मिनट। तो बता दो कमेंट करके कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं, मम्मी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल दोस्तों, मम्मी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। चलो बस बहुत हो गया मम्मी, अब हम चलते हैं। हेलो अर्जुन, हाय अर्जुन। तो ये मेरा छोटा सा भाई है नेबरर, ये मेरा ब्रदर जैसा, मैं इसको राखी बांधती हूँ। मैं कैसी हूँ अर्जुन बता दो, शर्मा रहे हो और क्या, और क्या शर्मा शर्मा। अच्छा मैं आपकी कितनी अच्छी दीदी हूँ बताओ, 100 and 100। नहीं नहीं, अच्छा आप मुझे कितना प्यार करते हो, ट्रिलियंस। क्यों ऐसे, क्योंकि मैं आपको भी प्यार करती हूँ। ये मेरी मम्मी है दोस्तों, ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ, आगे मेरे पापा है, और ये मेरा भाई चला रहा है दोस्तों। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा पेट स्टेप है अर्गुन दोस्तों, ऐसे करके कैसे करके दिखा दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। बता दो किसने सबसे अच्छा ये किया दोस्तों, ये मेरे पे ही सूट करता है दोस्तों। मीट माय ब्रदर, भैया हेलो करो। हेलो, हम आपको दिखाते हैं हमने क्या किया।
तो मम्मी आपको कैसा लगा डिनर? बहुत अच्छा लगा और गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट भी अच्छा लगा और मैंने क्या गिफ्ट दिया? और हर महीने जो पैसे देती हूँ उसका क्या? गाइस इसने कुछ गिफ्ट नहीं दिया अभी तक, ये सिर्फ नंबर बना रही है आपके आगे। गाइस मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखती, हर महीने मैं पैसे देती हूँ। इस महीने आए नहीं, कहाँ से तुम? तो अभी तुम भी इस महीने आएंगे तो अभी मम्मी महीना आया नहीं है अगला। अच्छा हाँ, अब अगला महीना आएगा तो कैश मिलेगा तो देंगे ना। वैसे ही देती है, हर महीने देती है। मंथली देख लो दोस्तों, सुन लो आवाज कम की जाए गाने की थोड़ी। मंथली देती है मेरी बेटी। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा डे था और हमने मम्मी की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, मम्मी पापा की। तो अगर आपको ये एनिवर्सरी व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड वायरल मी। Happy anniversary again. Bye. हम डिनर पे गए थे, मुक्कू को आज खाना देना भूल के बेचारा वेट कर रहा है हमारी। मुक्कू हम आपके लिए कुछ लाए हैं, दे दे अर्गुन, अलग से दियो। मुक्कू क्या खाएगा? मुक्कू अर्गुन रख दे ना। बस दोस्तों चिकन का पीस था, मैं खा लिया, अभी मैं उसको दूध देती हूँ। अभी रुक जा अर्गुन, दूध दे रही हूँ। ये मुक्कू का दूध आज देना भूल गए थे हम उसको, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में। आ मुक्कू बैठ जा, बैठ। देना भूल गए थे मुक्की लगी थी तो हम रोज मुक्कू को खाना देते हैं, मतलब रात को दूध देते हैं इसको। एक कप दूध मिलता है मेरे मुक्कू को। मुक्कू इसका नाम मुक्कू है गाइस, मुक्कू।